सो ही गाइज, वेलकम ऑन माई चैनल गेमिंग स्टूडियो 98। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी न्यू वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, जिसमें मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि न्यू करेक्टर आने वाला है फ्री फायर में, और न्यू गन आने वाली है, और न्यू मैप्स आने वाले हैं फ्री फायर के अंदर। जो मैप आएंगे वो मैं आगे डिटेल दूंगा। तो ये हैं आपके न्यू मैप्स, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया मैप दिख रहे हैं सारे के सारे। ये न्यू मैप्स हैं जो कि आपको फ्री फायर में देखने को मिलेंगे आपको। ओके गाइस, चलिए एक मैंने मैप सेलेक्ट किया है। आप अच्छे से देख ले ये लिस्ट कैसी लग रही है आपको। ये लिस्ट इसमें कौन कौन से आपको अच्छे लगते हैं, पैट रंबल है, रैम्पेज न्यू ड्रॉन है, स्ट्रॉन्ग होल्ड, कॉनवे क्रंच, किल स्क्वाड दोबारा आ गए हैं। और आपको ये देखो, मैं आपको कुछ आइटम दिखाने वाला हूँ जो नए नए आने वाले हैं। जैसे करेक्टर मैं बोल रहा था कि एक करेक्टर आएगा, वो भी आप आइटम देख लो। जैसे इवेंट वेवेंट चल रहे हैं, चलो इवेंट को छोड़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको देख ही रहा है, क्या बोलते हैं कि ये पेट्स की स्किन, और ये रहा आपका न्यू करेक्टर जिसका नाम है DB। ओके गाइस, क्या ही डांस करता है यार, देख रहे हो। ओके, तो अब ये देख सकते हो, आपने करेक्टर देखा। अब इसके बाद ये एक न्यू पेट आ गया है जिसका नाम है डॉक्टर बी। देख रहे हो कैसे डॉक्टर बीन कुछ करके इसका नाम है, मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक डक की तरह दिख रहा है। ओके गाइस, ये है हमारा न्यू पेट, और करेक्टर आपने देख ही चुके हो। तो आगे चलते हैं, और क्या क्या न्यू चीज़ें आ रखी है हमारे फ्री फायर के अंदर, जो आने वाली है सॉरी। और ये देखते हो आप, बंडल देख सकते हो, आर्मर में तो कुछ नहीं होगा। रिडीम में चलते हैं। अब देखते हैं रिडीम में क्या है। मैजिक व्यू में देखो ये सब आपका आ सकता है। ये जीप आने वाली है, और ये आ सकते हैं। और आपको इसके अंदर आपको दिख सकता है आपका फेवरेट, क्या आप सोच सकते हो भाई, बहुत ही गदर है वो चीज़। आर्टिक ब्लू बंडल आने वाला है आपके इस रिडीम कोड के अंदर, और स्ट्रीट बाय बंडल आप देख ही सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा जो न्यू करेक्टर आने वाला है उसका नाम DB है, जैसा कि आप देख सकते हो सामने आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा है। और उस करेक्टर स्किल का नाम है बुलेट बीट्स, आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे बुलेट बीट्स है। और ये करेक्टर बहुत ही फाड़ू निकलने वाला है, क्योंकि ये क्रोनो और आलोक को भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसके हेडशॉट ही एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, और इसकी स्किल पैसिव है जो आलोक के साथ और क्रोनो के साथ आप यूज़ कर सकते हो। आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे पैसिव लिखा हुआ है उसके बुलेट बीट्स के नीचे। ओके गाइस, इसका मूवमेंट रहता है मतलब गन को लेके कि एक्यूरेसी इसकी डबल रहती है जब आप गन चलाओगे, एक्यूरेसी आप देखना बहुत सही रहती है। और हम इस लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके लेवल वन पर आपको मूवमेंट स्पीड 35 देगा, और उसके साथ साथ आपको 35 आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ा देगा, और ऐसी लेवल 2 पे 40 एक्यूरेसी देगा और 40 आपका मूवमेंट स्पीड भी कर देगा। ऐसी लेवल 3 और लेवल 6 पे आप फाड़ू हो जाएगा, क्योंकि इसका मूवमेंट स्पीड हो जाएगा 70 और एक्यूरेसी भी हो जाएगी 70। तो ये बहुत ही ज़्यादा फाड़ू निकलने वाला है फ्री फायर के अंदर, तो बहुत ही लोग इसे लेने वाले हैं जहाँ तक मेरे को पता है। तो आप भी इसे ले ही लेना, क्या पता कि ये टॉप अप इवेंट में भी आ सकता है, आप ले लेना इसे, ज़रूर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्लेयर लेने वाले हैं। तो लेवल अप कर लेते हैं, और इसका छोटा सा गेम प्ले आगे देख लेंगे कि इसका हेडशॉट क्या ही लगते हैं। तो जैसा कि आपने ये देख लिया, अब आते हैं गन के ऊपर, जो नई गन आने वाली है हमारे फ्री फायर में। तो आप गन ही दे सकते हो, हमें जाना पड़ेगा क्या बोलते हैं पिस्टल्स में आ गए हैं, और देखेंगे हमें एक गन है UIZ जो बहुत ही फाड़ू निकलने वाली है हमारे फ्री फायर में, बहुत ही ज़्यादा फाड़ू। जो गन की जो एक्यूरेसी है इसकी बहुत ज़्यादा है एक्यूरेसी, और इसमें जो गन में है वो स्लॉट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप देख ही सकते हो। अब हम सेंसिविटी के ऊपर बात करते हैं, आप देख ही सकते हो सेंसिविटी क्या ही ओपी तरीके से दिख रही है, आप देख रहे हो जनरल रेड डॉट 2x स्कोप सब ओपी तरीके से दिख रहे हैं। और हम कंट्रोल में चलते हैं, अब कंट्रोल में आप देखोगे कि आपको जो, मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप ग्रेनेड और ग्लूवॉल की ना अलग ही स्लॉट रख सकते हो, क्या ही ये सही है ना। मतलब जैसे आप ग्रेनेड निकालना है तो आप अलग रख सकते हो, ग्लूवॉल निकालना है अलग, और ये स्लॉट देख लो, ग्राफिक बिल्कुल पबजी की तरह कर दें, है ना, बिल्कुल पबजी की तरह लग रही है।
तो अब जब देख ही सकते हो गाइस ओपी तरीके से लग रहा है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में कि जो भी आने वाले है करेक्टर की उन्हें भी पता चल जाए और वो भी ले ले। ओके गाइस, और आगे हमारा एक रेड कस्टम था जैसे और येलो कस्टम था, वैसे ही एक और कस्टम आ गया है जिसका नाम है क्राफ्टलैंड। ये है न्यू कस्टम जो आने वाला है आपके फ्री फायर में। तो गाइस आप देख ही सकते हो ये नई नई चीज़ें आने वाली है फ्री फायर में, तो आप इस चीज़ों को लेने के लिए आप फ्री फायर को रेडी रखना और मेरे चैनल को लाइक कर देना। तो ओके गाइस, ये छोटा सा गेम प्ले देख लो। तो गाइस चलते हैं अब, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।